जनपद संभल के चंदौसी में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा नगर मंडल चंदौसी की बैठक आवास विकास स्थित जीएस जूनियर हाई स्कूल में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता पिछड़ा मोर्चा के नगर अध्यक्ष राजेश पाल ने तथा संचालन नगर महामंत्री सुरेंद्र सैनी ने किया। मुख्य अतिथि पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला अध्यक्ष दिव्य प्रकाश यादव ने नगर टीम का परिचय कर माल्यार्पण के साथ स्वागत किया एवं आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा को विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा कि 2022 में योगी जी के नेतृत्व में 350 से ऊपर सीटें लाकर भाजपा इतिहास रचने जा रही है। जिला महामंत्री संजय सैनी ने कहा कि पिछड़ा मोर्चा की जिले के सभी विषम संगठनों में गठन हो चुका है और उनकी बैठक में मंडल वाइज हो रही है। सभी पदाधिकारियों को उनकी आगे वाले कार्य योजना के बारे में विस्तृत रूप से बताया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा की नगर मंडल चंदौसी की बैठक आयोजित की गई। आपको मनोनीत किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? मेरे कहना है कि जैसे पिछली बार मुझ पर दायित्व था पिछड़ा मोर्चा जिला अध्यक्ष का, और अब नियुक्त हुए हुए हैं दिव्य प्रकाश यादव जी, एक होनहार युवा और कर्मठ कार्यकर्ता हैं। आज उनके नेतृत्व में चंदौसी नगर में चंदौसी पिछड़ा वर्ग नगर मंडल के द्वारा एक स्वागत कार्यक्रम हुआ है, परिचय बैठक हुई है। मैं निवर्तमान पिछड़ा मोर्चा जिला अध्यक्ष के नाते यह दायित्व मुझे इस समय मिला है क्षेत्रीय संप्रकोष्ठ संयोजक का। इसके साथ साथ छोटे भाइयों के लिए मैं सुभाषीष देने आया हूँ, इनको आशीर्वाद देते हुए इनका स्वागत करने के लिए मैं कामना करता हूँ इनसे कि ये और पिछड़ा मोर्चे के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लिए, देश के लिए, नीतियों के मजबूती देने के लिए पुरजोर तरीके से संघर्ष कर दिन रात माँ भारती को परम वैभव को ले आने के लिए संघर्ष करेंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। इस जिलाध्यक्ष दिव्य प्रकाश जी व इनकी नगर की टीम जो यहाँ पर बनाई हुई है राजपाल जी के नेतृत्व में, बस समस्त कार्यकर्ताओं को मेरी शुभकामनाएं कि पार्टी को मजबूती दे देने के दिन रात ये मेहनत करेंगे और विश्वास है। आज नगर जनपद संभल के पिछड़ा मोर्चा चंदौसी नगर की कार्य समिति बैठक में सभी नगर के कार्यकारिणी उपस्थित रहे, उनका स्वागत किया गया नगर की भाजपा कमेटी व हमारे द्वारा। और पिछड़ा मोर्चा के दौर पर पिछड़ा मोर्चा उत्तर प्रदेश में 60% है, उससे अधिक राज्य सरकार में, फिर से हम 2022 में भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा मोर्चा के तहत पे सरकार बनाएंगे और 350 सीट पार करके फिर से उत्तर प्रदेश में भाजपा का मुख्यमंत्री बनाना, ये हमने संकल्प लिया है।